बोलेंगे मुबारकबाजी। हाँ मुबारकबाजी देता हूं, अखलाक की मौत की वजह भी, साहिब नुमान की मौत की वजह भी, हरियाणा में दो लड़कियों की इज्जत और उनकी मौत की वजह भी, गुजरात में मुसलमान बच्चों को मारा गया उसकी वजह भी, मुसलमानों को गोबर खिलाया गया उसकी वजह भी, महाराष्ट्र में भी बैन, लेकिन हिंदुस्तान से 28 लाख टन बीफ बाहर जाता है। वाह 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 वाह। और बताऊं, प्रेस वालों नोट कर लो जरा, 2011 में बीफ एक्सपोर्ट 12,68,000, बफलो 9.8 लाख, अदर्स 2.83। 2012-14-15 सन में, अब 2016 में दुनिया का नंबर 1 कंट्री जो बीफ एक्सपोर्ट कर रहा है दुनिया में, तो कौन है? हिंदुस्तान है। गांव रक्षकों कहां है? आरएसएस कहां है? बजरंग दल कहां है? हमको मारे, हमको गोबर खिलाए ना, क्या आप नरेंद्र मोदी को भी गोबर खिलाओगे? क्या मैं पूछना चाहता हूं, कितना करीब 1 लाख करोड़ रुपए का बीफ एक्सपोर्ट हुआ हिंदुस्तान? अरे तुम गौ भक्त हो, गौ रक्षक हो, सनातन धर्म के मानने वाले हो, तो मैं मुतालबा करता हूं कि बीफ एक्सपोर्ट को बैन करो। नहीं करते बैन, बीफ काटने पे बैन। क्यों? दलित और मुसलमान छोटा कारोबार करता है मुल्क में, बाहर कितना गोर जाता है, ये बड़े बड़े ब्राह्मण जैन बड़े बड़े आला जात के लोग करते हैं, जिसकी वजह से ये इख्तदार पे बैठे। क्या मेरा बात गलत है? अरे आज हम ये बातें लेकर आए हैं, ये बातें हम कहते हैं तो इनको बुरा दिखता है और हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं। आज डिमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी हुई, हिंदुस्तान की जीडीपी गिर गई, जीएसडीपी गिर गया, सनद गिर गई, तिजारत गिर गई, किसान की पैदावार में कमी हुई, रोजमर्रा के जो रोजगार चले 200 लोग मर गए। सर्जिकल स्ट्राइक 200% इंसर्जेंसी बढ़ गई हिंदुस्तान में। खुश रहे हैं, नागौड़ा हुआ, पूरी का अटैक हुआ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कहां है? पूरा हिल रहे हैं। और फिर आप हम समझते हैं कि ये लोग हमारे दोस्त हैं। आज बीजेपी और सेना का इतिहास टूट रहा है। इलेक्शन से पहले लड़ते हैं, इलेक्शन के बाद मिलते हैं, नहीं मिले तो पद्म विभूषण जो है ना वो तैयार है। पद्म विभूषण ही मिला ना? पद्म विभूषण किसको मिला? अरे जरा जोर से बोलो। हाँ, तालीम में पीछे, रोजगार में पीछे। वाह बैगनवाड़ी।